आप सर कहाँ से आए हैं? प्रदेश से। ये जो डेवलपमेंट हो रहा है क्या बोलेंगे, नया स्टेशन बन रहा है अभी? बहुत ही शानदार विचारों से हमारे जो हम सोचते थे उससे कई गुना अच्छा हुआ है। और मोदी जी ने वास्तव में जो काम किया है ये प्रशंसनीय, बहुत ही अनुमोदना करते हैं उनके काम की। पहले बगल में ही जो जंक्शन था, जो जंक्शन छोटा स्टेशन था, बहुत भव्य बन रहा है, बहुत सुंदर और बहुत लंबे समय तक चलने वाला बन रहा है। काम ऐसा हल्का नहीं है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। तो ये बताया जा रहा है कि जनवरी 19 से अगले 100 दिन तक हजारों ट्रेन यहाँ से चलेंगी, कब तो लगता है कि यहाँ से इतने जो भीड़ होंगी? हो जाएगा। जो कर रहा है, जो चल रहा है, जो दिख रहा है काम, उससे लगता है कि 100 ट्रेनें भी चलेगी तो वो इसको सहन कर लेगी, सहन करेगी। रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसा बन रहा है, एयरपोर्ट लुक दिया है। हम गर्व कह सकते हैं हम भारत में रह रहे हैं, मोदी जी के आशीर्वाद से आज इतना बड़ा भव्य हर स्टेशन, हर गांव, हर शहर आधुनिक बनता जा रहा है। चार धाम हो गए जिससे बहुत सारे तीर्थ स्थान हो गए, तो अयोध्या भी ऐसा ही है, प्रभु श्री राम का जन्मभूमि है ये। अयोध्या की जन्मभूमि है वहाँ तक ठीक है, लेकिन उज्जैन को भी, जो महाकाल को जो उन्होंने बनाया है, वो भी इस जैसा ही बनाया है। हर धार्मिक एमपी से इसीलिए बोल रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ सब बिल्कुल सही, ऐसा ही बनाया उन्होंने, उसी पैटर्न पर यह बन रहा है, लेकिन ये उससे कुछ अलग है, ये स्टेशन कुछ अलग बना है। बहुत अच्छा मंदिर का काम चल रहा है वहाँ पर, आप देखने गए उधर, कैसा लगा मंदिर? बहुत बहुत बढ़िया प्रांगण बनाया मंदिर का, और जो उन्होंने कल्पना की थी, मतलब कई साधारण जन ने ऐसे मंदिर की कल्पना भी नहीं की थी कि इस प्रकार का मंदिर का निर्माण होगा, लेकिन बीजेपी ने जो वादा किया था उस, आपको पता है कि मतलब इतने सालों का, 500 सालों का संघर्ष है, कितने कारसगों ने कितना बलिदान हुआ, कैसे कैसे घटना घटी, कोर्ट में मामला चले इतने सालों तक, अभी जब मंदिर इतने मेहनत के बाद बनने जा रहा है, तो आपको लगता है कि सारे सनातन हिंदू धर्मों के लिए एक बड़ा पीठ, गर्व का समय आ रहा है? गर्व का विषय है साहब, बहुत गर्व का विषय हिंदुओं के लिए। आज तक हमारे को, हमारी जो पिछली सरकारें थी जिनके हम नुमाइंदे हैं, मैं खुद उसका नुमाइंदा हूँ, लेकिन मैं खुद भी ये कह रहा हूँ कि उन्होंने बहुत गलत काम किया था। आज हमें लग रहा है कि उनको खुद को करना चाहिए थे जो उन्होंने किया, और इन्होंने मोदी जी लगने थे विवाद थे वो उनको निपटा नहीं देना चाहिए थे जो मोदी जी। बात बोलिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी से आने शुरू हो गए हैं, तो व्यवस्था और ज़्यादा बननी चाहिए, मतलब धर्मशाला हो रहने के लिए, ठहरा के लिए, एकोमोडेशन की जो व्यवस्था है, लोगों को ठहरने की जो है, उस पर सरकार को कुछ ध्यान देना चाहिए, उस पर लोग आए तो उनको रात को भटकना नहीं पड़े। हम लोग जो गेस्ट हाउस बनाए, पेइंग गेस्ट हाउस की जो उन्होंने व्यवस्था, लेकिन वो बहुत कम है, लेकिन यहाँ और जो जो आने वाले सालों में जो और बढ़ेंगे लोग, उस हिसाब से बहुत कम है ये व्यवस्था। यहाँ अच्छी बड़ी धर्मशालाएं, बड़ी होटले, इनको गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में भी बननी चाहिए, ताकि क्या है कि आदमी अपने को यहाँ ठगा हुआ महसूस नहीं करे, तो गवर्नमेंट को इसके लिए भी अपने लिए कोई प्रावधान करने चाहिए। गवर्नमेंट की वोटिंग हो, वो गवर्नमेंट के बंदे हो, गवर्नमेंट के काम हो, यहाँ पे भी गवर्नमेंट की धर्म सिक्योरिटी के इंतजाम सारे आपको कैसे लगे? सिक्योरिटी तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चौराहे पे पुलिस सिक्योरिटी लगी हुई है, बिल्कुल लगी हुई है, सुरक्षा का इंतजाम तो बहुत बढ़िया।